हाय गाइस, सबका ऑटो वाले अंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं खड़ा हूँ सिनेमा का मंदिर गेटी गैलेक्सी में। दोस्तों देख सकते हैं ये है गेटी गैलेक्सी और सामने आप देख सकते हैं ये है गेटी और ये जो है आगे यहाँ से चलते हैं सब। और आज दोस्तों एक ज़बरदस्त जो है एक मतलब एक छोटा सा मतलब एक आया है और लुक आया है, उसके लुक के ऊपर बात करेंगे। और लुक मतलब पोस्टर ही फर्स्ट लुक तो दोस्तों है सलमान खान की और वो मूवी आने वाली 2025 में। तो चलिए हम लोग जो है आज जो है क्रेजी हम में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं कृष्णा राय, और चलिए मैं बात करता हूँ और मिलाता हूँ। कृष्णा राय, आपका ऑटो वाले अंकल चैनल में स्वागत है और हम लोग चर्चा करेंगे क्रेजी है हम में और टॉपिक रहेगा जो कि ये आप दिखा सकते हैं डबल देख सकते हैं ये द बुल जो है। ऐसा कीजिए ज़रा और एक बार दिखाइए थोड़ा ही। हाँ ऐसा ये हाँ द बुल, ये द बुल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये सलमान खान की मूवी जो है आने वाली है 2025 में ईद में, तो दोस्तों हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए अगले साल तो चर्चा करते हैं। कृष्णा राय, आप 2024 में हमें सुना लगेगा और ये आपने जो दिखाया ये देख भाई, ये पिक्चर के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला है। हाँ, ठीक है, बोलिए। पहली बार ये पिक्चर कोई करना नहीं चाहता था। अच्छा, हाँ ये फेंका हुआ पिक्चर है। अच्छा, ठीक है। और ये और मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे। हाँ, मैं तो खुद करण जौहर के शोज में गया था, मैंने आपको बुलाया भी था लेकिन आप लेट हो गए थे। करण जौहर ने वहाँ किसी ऑडियंस ने पूछा था आप सलमान खान के साथ कब करने वाला कुछ प्रोजेक्ट वोजेक्ट, डिसाइड रहे थे वहाँ पर, उन्होंने एक्सेप्ट किया था हाँ भाई मैं करने वाला, अगर मैं मुझे वो क्लिप मिल जाएगा ना तो मैं दे दूँगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ, वो क्लिप मिल जाएगा तो मैं दे दूँगा। और ये पिक्चर के बारे में मुझे पता चला था। अच्छा, कि ये पिक्चर सबने फेंक दिया है। इतनी लेट क्यों, सलमान खान की मूवी जो है 2025 में क्यों आ रही है? पहली बात तो ये मैं बता रहा ना, ये पिक्चर फेंक दिया था। कोई भी एक्टर के पास जो भी करण जौहर गया था वो सब करने को तैयार नहीं थे। अच्छा अच्छा। और सलमान खान का वैसे भी नीचा फेस चल रहा है, स्लो डाउन नीचा चल रहा है। ठीक है, उनके पास कोई बड़े प्रोजेक्ट भी नहीं है। और देखा जाए तो इस मूवी के जो है इतने बड़े डायरेक्टर विष्णु वर्धन, लेकिन इससे खुद करण जौहर भी नहीं बना रहे ना। खुद करण जौहर पैसा लगा रहे, पैसा लगा रहे, लेकिन विष्णु वर्धन डायरेक्टर सोचो। एक जो है डंकी, राजकुमार हिरानी डायरेक्टर फ्लॉप हो गया ना। अरे फ्लॉप हो गया, लेकिन साउथ का अरे तो सारे साउथ वाले थोड़ी हिट है भाई, ये दिमाग में रख लो। सारे कन्नड़ा फिल्म सारे मुझे बताइए एटली जो कि शाहरुख खान एकदम ठप थे, एटली आकर के जवान मूवी बनाई, स्टोरी अच्छी थी ना। अरे स्टोरी मतलब बहुत मूवी में ऐसी स्टोरी है लेकिन भाई, लेकिन बुल अगर अच्छी स्टोरी होती थी, अच्छी स्टोरी तो बहुत से एक्टर लोग मना क्यों करते थे, मैं ये डाउटफुल है। अच्छा छोड़िए, जाने चलो, ठीक है। जो भी ऊपर बात इसके ऊपर द बुल, द बुल में हाथ दिखाया, ठीक है, हाथ दिखाया, हाथ दिखाया, देख सकते हैं। बुल मतलब सांड, सांड टाइगर में जैसा दिखा ना एक, और यहाँ पे बहुत खतरनाक तिरंगा भी दिखाया, तिरंगा भी दिखाया, तिरंगा भी दिखा। कुछ है देशभक्ति का, कुछ कहानी है इसके ऊपर। कहाँ मैं कोशिश मैं मुझे नहीं पता आप कहानी क्या है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि अच्छी पिक्चर बने, अच्छी बने। और सलमान खान की, सलमान खान प्रोडक्शन, सलमान खान जिसमें रिलायंस वाले ने भी पैसा डाला, यही चाहेंगे कि सलमान खान की इससे वापसी हो। और हम चाहें कि ये कम से कम कुछ हो तो अच्छी खासी कलेक्शन करे, और उस तरह का ना हो जो अभी अभी जो है इतनी कम कलेक्शन करके गई और ये मूवी जो है सबके दिलों पर है। और सेकंड पार्ट भी जो है मतलब इसका जो है मतलब जो इंटरवल के पहले वो भी अच्छा रहे, इंटरवल के बाद भी जो है स्टोरी ऐसी लिखी जाए कि पब्लिक जो है देखे। पिक्चर्स अच्छे बॉलीवुड वाले नहीं बना पा रहे, ये समझ में नहीं आ रहा कि बॉलीवुड वाले सर अच्छे पिक्चर क्यों नहीं बना पा रहे। साउथ के सारे इसलिए साउथ के डायरेक्टर लिया गया, साउथ के भी हर जगह के, एक कन्नड़ा पिक्चर वाले अलग होते हैं, तेलुगु वाले अलग रहते हैं, चाहे जो भी रहे, लेकिन विष्णु वर्धन को लिया गया है, मतलब कारण है ना। हाँ, तो मतलब आप जो है ये लिए जो पोस्टर का जो फर्स्ट लुक है इसको, आप फर्स्ट लुक तो अच्छा लगा मेरे को, बहुत जबरदस्त है, तिरंगा सबसे अच्छा है, वो मुझे अच्छा लग रहा है। तिरंगा तो तिरंगा देख करके लग रहा है सलमान खान सर खड़े हुए हैं लग रहा है वो। अब ये पिक्चर के ऊपर ऐसा अफवाह भी था, अफवाह है कि सब सब कोई करना नहीं, इसके नहीं नहीं इसके पहले भी आ चुका था बुल, मतलब सांड मतलब कुछ तो फाइटिंग एक्शन या तो मतलब सांड के मतलब पूरा का पूरा बल के सलमान खान सांड बन पाएगा क्या? नहीं, सांड नहीं मतलब बल होगी उनकी, मतलब उनका
सांड के जैसा उनके पास बल होगा और वो लड़ाई करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ही कुछ होगा एक्शन एक्शन। तो दोस्तों इंडियन आर्मी की स्टोरी, सलमान खान हमें खुशी है, सलमान खान के फैन लोग भी खुश होंगे कि ये जो है अगले ईद में जैसे हम लोगों को कुछ और मिले तो हम लोग वो भी बता देंगे। अगले ईद की ईद में सलमान खान सर तोहफा दे रहे हैं, मतलब 2025 में। तो दोस्तों सलमान खान के फैन लोग और पूरे चाहने वाले, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, बस मैं ये चाहूँगा प्लीज़ कमेंट करना। हाँ। आप लोग सलमान खान को देखना चाहते हैं इस पिक्चर में, क्या क्या उस बारे में कमेंट करना। हाँ। क्योंकि ये देखो एक बात यह है कि मुझे अच्छा लगा और लग रहा है कि ये मूवी चलेगी और अच्छी चलेगी। तो दोस्तों बस इतना ही, मैं ये चाहूँगा ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, डबल।